2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन समय बीतता गया और वादे धीरे धीरे भूलता गया। ऐसा ही कुछ मामला है यूपी के रामपुर का, जहां सांसद नेपाल सिंह ने एक गांव को तो गोद ले लिया और 4 सालों में विकास खूब कागजों पर हुआ। लोगों के मकान तो बने लेकिन हवा में। बता दें कि जिले के हरदासपुर कोठरा गांव को सांसद ने गोद लिया था, लेकिन लगभग 5 साल बीतने के बाद भी गांव में लोगों को पक्का घर नसीब नहीं हो पाया। गरीब गरीबी की चादर ओढ़े ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन नेताजी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। जिन्हें गोद लिया था यहाँ पर आए थे, उन्होंने सब लोगों को बैठा कर एक जो है चौपाल लगाई थी गाँव के अंदर सरकारी स्कूल में। उन्होंने कहा था कि मैं इस गाँव को गोद ले रहा हूँ, 10 करोड़ रुपया लगाऊंगा इस गाँव में अपने विकास कार्य के लिए, और इस गांव को हरदासपुर कोटरे से बल्कि इसका नाम बदलकर मीनू शहर बनाऊंगा, और इसके अंदर जो है सूर्य प्लांट लगेगा, अलग गांव से अलग सूर्य प्लांट लगेगा, जिसमें कि गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी, और जो है रोडें बढ़िया पड़ेंगी, और कहीं भी नाली कोई खुले हुई नहीं मिलेगी, सारी नाली ढके हुई रहेंगी, और इस गांव के अंदर कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा। ये मेरा वादा रहा, इस गांव को मैंने गोद लिया है। तो ये सब काम हो गए? कोई भी काम नहीं हुआ, इनमें से कोई एक काम हुआ? एक नहीं हुआ। 22 विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पे एक बार जी, 22 विभाग के अधिकारी आए थे, बिजली आइडिल के और ये जल निगम के और ये सारे आए थे, और हमने इस गांव को मेन रोड से जोड़ने को कहा था, बोले नहीं मैं गांव के बाहर काम नहीं करूँगा, मैंने गांव गोद लिया है, सिर्फ गांव में काम करूँगा, तो ना ही तो उन्होंने बाहर करा और ना ही गांव में, और ये कह दिया कि यहाँ पे मलबा अगर एक भी ईंट किसी ने उठाई तो काम बंद। गांव में तो कोई विकास हुआ नहीं है, हुआ विकास और ना रोड पड़े हैं, रोड भी मेरा तो कच्चे हैं, और शौचालय भी नहीं बने हुए हैं, और ये समझ लो नाली भी टूटी फूटी नाली है, कोई भी यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहा। अच्छा, मौजूदा प्रधान कौन है यहाँ पे? तोताराम प्रधान। तो कभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आप कभी प्रधान से शिकायत नहीं करते? प्रधान जी का क्या, वो मैंने कहा ऐसा एक जना आता है, मेरा सफाई कर्मचारी बहुत ही उदय कर जाता है, तीन गांव हैं। अच्छा सांसद जी, क्योंकि सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है, तो कभी सांसद जी कभी आके नहीं जाते इस गांव में? नहीं 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 आए, अभी कोई नहीं आया। अच्छा 2014 से अब तक अगर विकास की अगर हम बात करें तो कितना विकास यहाँ पे हुआ है? विकास कितना हुआ? विकास तो मेरा ऐसा मान के चलो भाई 10 करोड़ की मेरा तो यहाँ सुनी थी, नेपाल सिंह ने ये कहा था 10 करोड़ रुपया इस महाराज कोठरे में लगेगा, तो गांव वाले ये सोचे ना कि यार यहाँ तो अब चमन हो जाएगा, वो चमन के बगैर और सुंदर नगर गाँव भी रख दिया। वहीं सांसद के प्रतिनिधि ने दावा किया कि गांव में लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन में विकास पूरा हो जाएगा या 100 दिन में पूरा हो जाएगा, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें आप 5 दिन में कर पाओगे, कुछ 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, तो उसमें क्या लगातार प्रयास हमेशा रहेगा, प्रयास हमें करना पड़ेगा आगे। आज आप टंकी की बात करते हैं तो ओवरहेड टैंक हुआ ही नहीं करते थे पहले, कहाँ होते थे गाँव में, तो ये इस गाँव में हमारा प्रयास था कि पहले एक टंकी का एक निर्माण हो, वहाँ पर सबको कनेक्शन दिया जाए, तो ये भी अपने आप में गांव के लिए एक बड़ी चीज़ थी। उसमें विद्युतीकरण जो है गांव में, आज से 30% गांव ऐसे थे जिले में जो 70 साल के सरकार के बाद भी, जो केंद्र सरकार थी उसके बाद भी कनेक्टेड नहीं हो पाए थे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा विकास है, आज वो सब कनेक्ट हो गए, तो आप पूरा जिला जो आप कहोगे कि 100% जो है कनेक्शन जो है हर हाउस होल्ड पे कनेक्शन है, तो ये जो चीज़ें फंडामेंटल जो मैं कहता हूँ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों के, ये पूरा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या है कि विकास जो है ना, एक ऐसा नहीं है कोई एब्सोल्यूट प्रोसेस है कि एक माइलस्टोन है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो लगातार जो चीज़ें आती जाएंगी उस पर इम्प्रूवमेंट भी होंगे लगातार। अच्छा, जब से सांसद जी ने गांव को गोद लिया है तब से लगभग कितनी बार सांसद जी वहाँ गांव में जा चुके हैं? मुझे लग रहा है चार बार जा चुके हैं। अच्छा, जो मुख्य प्रायोरिटी में था सरकार की और जिस तरीके के विकास कार्य वहाँ देखे गए हैं, तो जो मीडिया के कैमरे में कैद हुए हैं जो चीज़ें वहाँ सामने आई हैं, तो उससे तो आपके जो विकास कार्यों की जो गति है उससे बोल खुलती नहीं आ रही है? नहीं, एक्चुअली जो है जो फंड अरेंजमेंट जो होता है वो सबसे बड़ा एक डिफिकल्ट कार्य होता है किसी भी सरकार के लिए, मैं देखता हूँ।
अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सांसद महोदय के गोद लिए गांव का ये हाल है तो बाकी दूसरे गांव की हालत क्या होगी। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश भी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।